जयंत साथियों आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल जी एन भी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज किस वीडियो में हम देखेंगे कैलेंडर से पार्ट 5 के वीडियो। दोस्तों इससे पहले कैलेंडर का पार्ट 4 तक वीडियो आप लोग को करा दिए हैं दोस्तों, और उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 में बेसिक क्लास भी कराए हैं और बेसिक जो थ्योरी है हम सबको कराए हैं। दोस्तों अगर पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट 4 पार्ट 5 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाभदायक क्वेश्चन है। दोस्तों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार 5 बार आया है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है उन सबको लाए हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखिए, मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं तो बहुत मायने रहता है, आसानी समझ में आएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि यदि आने वाले 2 दिनों के बाद गुरुवार आता है तो बीते कल के 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। दोस्तों देखिए कैसे बनाएंगे इसको, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। देखिए बोल रहे हैं यदि आने वाले 2 दिनों के बाद, यानी थोड़ा सा पहले देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आने वाले 2 दिनों के बाद बोल रहा है, यानी ये आज हैं, क्या हैं थोड़ा सा पहले समझिए, ये आपका आज हो गया, आज हो गया, आने वाले 2 दिनों के बाद, ये आज हो गया, तो आने वाले 2 दिन के बाद, यानी आने वाला 1 दिन, यहाँ पर 2 दिन, 2 दिन के बाद, बाद बोल रहा है, यानी आने वाले 2 दिनों के बाद, ये आज हो गया, तो आने वाले 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, इसके बाद क्या है, गुरुवार है, यहाँ पर कौन सा दिन है दोस्तों, गुरुवार है। आराम से देखिए समझिएगा, एकदम बनाइएगा अपने से, आने वाले 2 दिनों के बाद गुरुवार आता है, तो बीते कल के, बीते कल यानी आज ये हैं, तो बीते कल, अब इसके बैक में चलेंगे क्योंकि बीते कल के पूछ रहा है, तो ये आज का है, तो बीते हुए कल यहाँ पर होगा, बीते कल के 2 दिन पूर्व, यानी बीते कल हो गया, अब इसके 2 दिन पूर्व, 1 दिन और 1 दिन, 2 दिन पूर्व पूछ रहा है इससे, बीते कल के 2 दिन पूर्व, यानी बीते कल ये हो गया, तो 2 दिन इससे पूर्व, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन पूर्व सप्ताह का कौन सा दिन आएगा दोस्तों, यानी यहाँ पर बीते हुए कल, आज ये दिन हो गया, बीते हुए कल ये हो गया, इसके 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, यानी ये हो जाएगा, कौन सा दिन सप्ताह का होगा। तो देखिए यहाँ पर शुक्र गुरुवार है, आज के 2 दिन बाद बोल रहा है, आज के 2 दिन बाद गुरुवार आता है, तो आज के 2 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन बाद, बाद ये गुरुवार हो गया, तो बीते कल, बीते कल के 2 दिन पूर्व कौन सा दिन आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, आज गुरुवार हो गया तो यहाँ पर आज के 2 दिन पूर्व बाद, यहाँ पर आज के 2 दिन बाद गुरुवार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अब ये गुरुवार हो गया 2 दिन बाद, आज के 2 दिन बाद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बुधवार, कोई दिक्कत नहीं होगा कि नहीं, बुध हो जाएगा, यहाँ पर मंगल हो जाएगा, थोड़ा सा समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, यानी आज क्या है, सोमवार है, समझते चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, शनिवार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर रविवार होगा, क्या होगा, रविवार, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनि होगा, यहाँ पर क्या होगा, शुक्रवार होगा, क्या होगा, शुक्रवार होगा, यहाँ पर रवि हो गया, आज के 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व पूछ रहा है कि बीते कल के, बीते कल यहाँ पर हो गया 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन, यहाँ पर ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये मिस्टेक से लिखा गया है, देखिए इतना ही बोला है कि बीते कल के 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन पूर्व, तो यहाँ पर सोमवार, ये रविवार हो जाएगा, ये शनिवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। देखिए अगर नहीं समझेंगे तो फिर से एक बार देखिए, बोल रहा है यदि आने वाले, बोल रहे हैं यदि आने वाले 2 दिनों के बाद गुरुवार आता है, आने वाले 2 दिन के बाद, यानी ये आज हो गया आपका लाइन, अब इसके आने वाले 2 दिनों के बाद, 1 दिन, 2 दिन के बाद बोला है, तो बाद यहाँ पर हो जाएगा, 2 दिनों के बाद गुरुवार हो गया, अब पूछ रहे हैं आपसे बीते कल, तो आज ये है, तो बीते कल ये हो जाएगा, बीते कल के 2 दिन पूर्व, बीते कल ये हो गया, 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन, ये लाइन नहीं होगी, बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व, 1 दिन, 2 दिन पूर्व, कौन सा दिन आएगा सप्ताह के, तो यहाँ पर गुरुवार, तो यहाँ पर बुधवार, यहाँ पर मंगलवार, इससे 1 दिन पहले, पहले चलेंगे, पीछे चलेंगे, तो गुरुवार के 1 दिन पहले बुधवार, बुधवार के 1 दिन पहले मंगलवार, मंगलवार के 1 दिन पहले सोमवार, सोमवार के 1 दिन पहले रविवार, रविवार के 1 दिन पहले शनिवार, शनिवार के 1 दिन पहले शुक्रवार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुक्रवार दिया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। चलिए बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दो नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए बोल रहा है 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा। दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में देता है, बार बार एग्जाम में सब आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार है, तो उसी माह के 14वें दिन कौन सा वार होगा। तो आप कैसे बनाइएगा, देखिए कुछ नहीं करना है आपको। 31 तारीख को क्या दिया है, 31 तारीख को यह मंगलवार दे दिया है। क्या दिया है, मंगलवार। अब देखिए अगर 31 में से -7 कीजिएगा तो आपका 24 को कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार आएगा। थोड़ा सा समझते चलिए, पीछे में चलना है, हम इधर लिख दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मंगल हो जाएगा। 7 घटाइएगा तो फिर इसमें से अगर 7 आप माइनस कीजिएगा, माइनस का 7, तो आपका कौन सा दिन आ जाएगा, यानी 17 तारीख को क्या आ जाएगा, मंगलवार। कोई दिक्कत नहीं, अब आपको 17 तारीख को मंगल, 14वें दिन को पूछा है, 31 तारीख अंतिम दिन मंगलवार दिया, 14वें दिन। अब इसमें से 3 आप माइनस कर लेते हैं, यानी मंगल के पहले 3 चलिएगा, तो मान लीजिए कि मंगल हो गया यहाँ पर मंगलवार। अब 3 दिन पहले इससे, यहाँ पर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो मंगलवार के 1 दिन पहले सोमवार, सोमवार के 1 दिन पहले रविवार, रविवार से 1 दिन पहले शनिवार। तो शनिवार आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो शनिवार देखिए किस ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन में है शनिवार। या आप इसको चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, 31 दिन वाले महीने का दिया है मंगलवार अंतिम दिन, 14वें दिन पूछा है। थोड़ा सा एक काम कीजिए, 31 दिन का महीना होता है ना, ये 31 दिन वाला दिया है, इसमें से 14 आप घटाइएगा तो कितना बचेगा आप देखिए, 11 में 4 गया 7, यहाँ पर 2 में से गया 1, 17 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी का 14, रिमाइंडर आपका बचा 3, यानी जो दिन दिया है उसमें से आपको 3 रिमाइंडर पीछे चलना है, पीछे के दिन पूछा है, 31 वाला महीना का दिन दे दिया अंतिम दिन, और बैक में पूछा है 14वें दिन उसी महीना का, तो 3 रिमाइंडर घटा दीजिए मंगलवार में से, तो मंगल में से 3 घटाइएगा, सोमवार, रविवार, शनिवार, तो शनिवार इस तरह से भी आ जाएगा। तो आपको जो चाहे उस हिसाब से आप बना सकते हैं, दो यहाँ पर मेथड हम बता दिए। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ जाएगा, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी स्टडी लेटर ग्रुप हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, सब पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए देखते हैं इसके बाद आगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको पहले। 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, तो 24 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। 11 अक्टूबर 2018 को दिया है दोस्तों, अक्टूबर, देखिए 11 अक्टूबर से आपको चलना है, 2018 11 अक्टूबर को दिया है, 2019 में फरवरी 24 तक चलना है, तो 2018 में 11 अक्टूबर तक दे दिया है गुरुवार, तो अक्टूबर होता है 31 दिनों का मंथ, 31 में से 11 तारीख को दे दिया है, तो 31 में से 11 गया आपका, अक्टूबर में कितना बचा, 20 बचा अभी। थोड़ा सा देखिए अक्टूबर के बाद क्या आएगा आपका, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, तो नवंबर कितने दिनों का मंथ होता है, 30 दिनों का। फिर दिसंबर आएगा, तो दिसंबर कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। थोड़ा सा देखिए, अब आइए ये 2018 का हो गया, 19 में आइए, 2019 में जनवरी होगा कितने दिनों का, तो जनवरी होगा आपका 31 दिनों का। फरवरी में आपको 20 तक चलना है, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, फरवरी में आपको कितने चलना है, 24 ना, 24 तक चलना है। सबको आप ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए सप्ताह के दिन से, या अभी भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 से डिवाइड कीजिएगा इसको, तो रिमाइंडर आपका कितना, 7 दूनी 14, रिमाइंडर आपका कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा, 7 दूनी का 14, 26, 6 बचा, इसमें 2 बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, सब में रिमाइंडर कितना बचा देखिए, 6, सबको ऐड कर लीजिए 6, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 3 3 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, 6 2 8, 3 11, 3 14, 3 17, यानी 17 को 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 दूनी का 14, रिमाइंडर आपका 3 बचेगा। अब देखिए 18 अक्टूबर 2018 को गुरुवार दिया है, रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है, बाद का दिन पूछ रहा है, तो बाद में 3 जोड़ लीजिए, यानी गुरुवार में 3 जोड़ लीजिए, जिस दिन पूछा है उस दिन का दिन आ जाएगा यहाँ पर, तो गुरुवार था, गुरुवार में
आपको तीन आगे बढ़ना है, एक दो तीन। तो आप देखिए एक दो तीन आगे चलिए, गुरुवार के बाद ये शुक्रवार शनिवार रविवार, रविवार देखिए किस ऑप्शन में है, रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देखिए अगर पीछे का दिन देख, जैसे मान लीजिए दे देता 2019 24 फरवरी 2019 को अगर कोई दिन दे देता गुरुवार या शुक्रवार और पूछ देता 11 अक्टूबर 2018 को कौन सा दिन होगा, तो सेम प्रक्रिया यही करेंगे, जो भी 2019 और 2018 के बीच में मंथ पड़ेगा उन सब का दिन को काउंट कर लेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों उसको क्या करेंगे, जो दिन दिया है उससे बैक में चलेंगे, पीछे चलेंगे जो रिमाइंडर आएगा, और आगे की ओर दिया है यहाँ पर जिसे 2018 का दिन दे दिया, 11 अक्टूबर 2018 को दिया है दिन, 24 फरवरी 2019 को पूछ रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको क्या करेंगे, जो दिन दिया है उसमें जोड़ेंगे। ये तो बताए थे पार्ट 3 पार्ट 4 के भी वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन दिए थे, तो बताए थे दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि आसानी समझते होंगे, आगे देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए तीन नंबर चार नंबर भी क्वेश्चन बहुत ही भी है, पढ़िए इस टाइप से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है। यदि परसों बुधवार था तो रविवार कब आएगा, देखिए क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। यदि परसों बुधवार था तो रविवार कब आएगा, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये आज हो गया, क्या हो गया, ये आज आज हो गया, परसों बुधवार था यानी इससे दो दिन पहले था, बोल रहे हैं कि परसों बुधवार था, तो यानी बीता हुआ कल और उससे एक दिन और पहले परसों, तो ये आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो गया, उसके एक दिन और पहले बीता हुआ ये कल हो गया, यानी परसों हो गया, आज के ये बीता हुआ परसों हो गया, आज के बीता हुआ परसों, यदि परसों बुधवार था यानी ये आज हो गया और इससे एक दिन पूर्व और इससे एक दिन पूर्व, परसों बुधवार था, यहाँ पर क्या था, बुधवार था, समझते चलिए। तो आज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए, बुध यहाँ पर परसों था, तो बुध के बाद बृहस्पतिवार, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, अब यहाँ पर शुक्रवार हो जाएगा, अब बोला है कि रविवार कब आएगा, तो यहाँ पर शुक्रवार हो गया, तो यहाँ पर शनिवार होगा, यहाँ पर रविवार होगा, तो देखिए रविवार कब आया, आज हो गया, ये आज है आपका, आज आज से दो दिन पहले बुध था, परसों दिया था बुध था, ये आज हो गया, अब रविवार कब आएगा, तो आज हो गया, अब क्या शुक्र, तो फिर शनिवार कल हो जाएगा, उसके बाद परसों क्या हो जाएगा, रविवार, तो आज के परसों यानी परसों फिर आएगा क्या, रविवार आएगा, तो ऑप्शन में देखिए परसों कहाँ है, बी ऑप्शन में है परसों, यानी परसों फिर क्या आ जाएगा, रविवार, रविवार आपसे पूछा था, बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस टाइप से भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देता है। चलिए देखते हैं इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। अगर आप मैथ रीजनिंग में वीक हैं तो हमारे GNV स्टडी सेंटर चैनल पर जाए और वहाँ से कोई भी लिंक वीडियो उठा करके देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा दोस्तों, टैलेंट हो आप या वीक हो, कोई भी छात्र आसानी समझ में आ जाएगा, हर चैप्टर का वीडियो वहाँ पर अपलोड है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था, तो निम्न में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। दोस्तों देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, 12 जनवरी 1979 को शुक्रवार था दिया है, तो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा दिन 12 जनवरी 1981 को होगा। देखिए आपसे क्या पूछा है, 12 जनवरी 1979 का दिन दे दिया है शुक्रवार, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक आप बात लिखिए, 12 जनवरी 1979 को दिया है, क्या दिया है, शुक्रवार, थोड़ा सा पहले समझिए, शुक्रवार दे दिया है। अब देखिए अगर 12 जनवरी 1980 तक चला जाए तो क्या होगा दोस्तों, एक साल यानी सेम 12 जनवरी फिर 1979 तो 1980 दोस्तों देखिए ऐसे तो लीप ईयर है, चार से कट रहा है, लेकिन फरवरी में एक दिन बढ़ता है, जनवरी तो सेम हर ईयर का जनवरी 31 दिनों का मंथ होता है, 1980 में फरवरी बढ़ेगा, लेकिन ये 12 जनवरी तक ही अगर जोड़िएगा, 12 जनवरी 1979 से 12 जनवरी 1980 तक, तो 365 दिन होगा, तो 365 दिन में एक दिन बढ़ता है, जो दिन देता है, जैसे मान लीजिए आज शुक्रवार है, तो सेम एक साल बाद लीप वर्ष अगर नहीं होगा, जनरल वर्ष होगा, तो एक दिन बढ़ेगा, तो 365 दिन यहाँ पर आ रहा है, ये जनरल वर्ष हो जाएगा, 366 दिन बढ़ता कब, जब लीप ईयर होता तब, तो यहाँ पर अभी देखिए जनरल 365 दिन आप बढ़ रहे हैं, 12 जनवरी 1979 से 12 जनवरी 1980 तक चल रहे हैं फरवरी के पहले, तो 365 दिन बढ़ रहे हैं, तो एक दिन बढ़ेगा इसमें, यानी 1980 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार है, तो यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, शायद आप
समझे होंगे कैसे, एक दिन बढ़ेगा 1980 तक, फरवरी इसके बाद आएगा जनवरी के बाद। अब आइए 12 जनवरी आपसे क्या पूछा है, 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा, 1981 को, तो 12 जनवरी 1981। अब देखिए, अब यहाँ से 12 जनवरी 1981 को चलिएगा तो इसमें फरवरी आएगा आपका कितना दिनों का, तो 29 दिनों का, तो एक दिन और बढ़ेगा। तो शनिवार अभी दिया है, क्या दिया है, शनिवार, तो लीप वर्ष यहाँ से यहाँ तक चलिएगा तो 365 दिन तो ऐसे बढ़ेगा, और लीप वर्ष वाला फरवरी जो 1980 वाला है इसमें एक साल में ऐड कर रहे हैं तो एक दिन और बढ़ेगा, यानी शनिवार है तो 1981 तक चलिएगा तो दो दिन बढ़ेगा, एक दिन तो ऐसे बढ़ेगा 365 वाला, आप 1980 वाला फरवरी इसी में ऐड कर रहे हैं जनवरी के बाद से तो एक दिन और बढ़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, शनिवार के बाद दो दिन और बढ़ेगा, तो शनिवार के बाद दो दिन बाद एक दिन दो दिन और जोड़िए तो रविवार सोमवार, यानी यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर सोमवार हो जाएगा दो दिन बाद, एक साल बाद एक दिन बढ़ेगा, फिर उसके बाद एक साल बाद, तो इसमें जनवरी फरवरी ऐड करेंगे लीप वर्ष वाला तो दो दिन बढ़ जाएगा, तो शनिवार के बाद रविवार, फिर यहाँ पर सोमवार, सोमवार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिए हैं, ऑप्शन अगर रहता तो सोमवार हो जाता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से जो भी आज के इस वीडियो में क्वेश्चन था समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मिलेंगे दोस्तों इसके बाद वाले पार्ट में, आज के वीडियो में इतना ही है, जय हिंद।